अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं आज हम लोग पेड़की बना रहे हैं। ये रहा बेसन, इसको भूंज लिए एक बार। सूजी अरे बेसन है, सूजी। ये रहा सूजी, गलती से बेसन निकल रहा है मेरे मुंह से। ये रहा सूजी। है इधर वो क्या बोलते हैं इसको, मैदा। मैदा है, और इसमें पेड़की बना बना के रख रहे हैं, जो इसको छाकेंगे। देखिए इस तरह पेड़की बनाते हैं, सूजी डाल डाल के। ये सूजी डाल दिए मैदा के अंदर, तो इसको चिपका देंगे। इस तरह सबको बना लेंगे और तेल में डालेंगे। देखिए लग रहा है हमारा तेल गरम हो गया है। देखिए यहाँ छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक करके। इसमें इसमें क्या, इसमें सूजी ढका हुआ, और इधर पेड़की बन रहा है। तो चलिए दिखाते हैं पेड़की कैसा दिखता है और कैसा लगता है। हम भी पहली बार पेड़की सुन रहे हैं, पेड़की खाने वाले हैं। और यदि आपको भी पेड़ की कभी बनाना होगा तो देखिए इसी तरह आप भी बनाइएगा। इसको लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही तेल में छोड़ के रखेंगे, और देखिए बनेगा तब इसको निकालेंगे। अभी वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं कैसे हम लोग पेड़ की बना रहे हैं। इधर चुनी रखा हुआ है चावल वाला, इसे खापरा पीठा बनाने वाले थे, लेकिन आज पेड़की का मूड हो गया तो इसीलिए पेड़की बना रहे हैं। तो चलिए सामने से दिखाते हैं अब कितना होने वाला। लगभग पक गया है हमारा, और थोड़ा बाकी है। और दोस्तों इसमें रिफाइन की जगह हम लोग ने थोड़ा सा सरसों तेल यूज कर दिया है, तो हमारा आँख में जलन हो रहा है। इसीलिए आप लोग रिफाइन में कभी सरसों तेल यूज मत कीजिएगा, काहे कि रिफाइन में सरसों यूज कीजिएगा तो फिर आँख जलेगा। हम लोग का अभी आँख जल रहा है। देखिए अभी किस तरह हम लोग का आँख जल रहा है, इसी तरह आप लोग का भी जलेगा यदि आप लोग भी इसी तरह रिफाइन में सरसों तेल यूज कीजिएगा तो। देखिए हमारा हो गया है, हम लोग का आँख जल रहा है सरसों तेल के कारण, इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। ये आ गया हम लोग का पेड़की। कैसा लग रहा है पेड़की, कैसा लग रहा है खाने में पेड़की, आपने कैसा क्या लग लिया रहा तो है, आपने क्या लिया कैसा लग रहा है पेड़की। कैसा लग रहा है। अरे कोई तो बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है।